नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप देख रहे हैं द एसडी न्यूज। देखिए पप्पू जी जो हैं वो लगातार जो डेंगू का प्रकोप चल रहा है उससे निपटने के लिए अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, चूंकि सरकारी मशीनरी फेल हो गई है। सर, किस तरह की पहल आपको करनी पड़ रही है? पूरी मशीनरी जो है वो सरकार की फेल हो गई और आप जो है वो लगातार डटे हुए। सब साफ शब्दों में, कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकार से ऊपर काम कर सकती है और ये महसूस करा दिया पटना की जनता और पटना के यूथ ने। हम लोग सरकार से ऊपर काम करने की तैयारी में है। एक व्यक्ति जब सरकार से ऊपर और सरकार के पैरेलल काम कर सकती है तो सरकार को शर्म होना चाहिए और एक मिनट भी रहने का राइट नहीं। आज जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि इंसाफ होगा? सर, वो करते रहे, अब ये कुछ भी कर लें। इन्होंने जो हस्र पटना की जनता और बच्चों के साथ, पानी, पानी के बाद बीमारी, बीमारी के बाद गंदगी और उसके बाद जीना दुर्लभ कर दिया, ऐसे लोग, ऐसे नरभक्षी को अब रहने का राइट नहीं। तो देखिए पप्पू यादव का साफ तौर पे कहना है कि अब मुख्यमंत्री चाहे जो भी बैठक कर ले, जिस तरह के भी प्रयास कर ले, लेकिन पटना के लोगों ने 10 दिनों में जो नारकीय हालात भोगे हैं उसको लेकर के सरकार कभी कुछ भरपाई नहीं कर सकती है और ना ही सरकार उस दिशा में ईमानदारी से कोई पहल कर रही है। नवनीत कुमार, द एसडी न्यूज़, पटना।